गाड़ी के पेपर्स दिखाओ। ठीक है, जाने दो। लगता है रॉकेट लॉन्च की तैयारी पूरी हो चुकी है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरे पापा पहली बार किसी रॉकेट को उड़ाएंगे। पापा को जब ऑफर मिला तो उन्होंने मना नहीं किया। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मेरे पापा ने खुद ऑफर दिया था लेकिन वो लोग नहीं माने। राधे, तुम्हारे पापा तो पायलट नहीं है, फिर उन्होंने क्या ऑफर दिया? मेरे पापा इस सैटेलाइट को खरीदना चाहते थे। उनकी तो इच्छा थी कि इस सैटेलाइट को हमारे छत पर ही लगा दें, पर ये लोग माने ही नहीं। ओहो, जमीन पर फेंकते फेंकते अब तो तुम आसमान तक पहुंच गए। डिश एंटीना है क्या कि खरीद कर लगाना चाहते थे? तो क्या हुआ, वो खरीद कर छत पर लगाएं या फिर उड़ाएं, उनकी मर्जी। हेलो बच्चों, शिवा, इंटेलिजेंस से मुझे खबर मिली है कि कुछ लोग सैटेलाइट को हाईजैक करने का प्लान बना रहे हैं। तब तो हमें जाके नजर रखनी होगी, ये डॉगी इतना भौंक क्यों रहा है। थैंक यू शिवा, तुम मेरे मन की बात को कितने अच्छे से पढ़ लेती हो। क्या बात है डॉगी, कुछ है क्या? लोग बस को हाईजैक करते हैं, ट्रेन को हाईजैक करते हैं, एरोप्लेन को हाईजैक करते हैं, हम रॉकेट को हाईजैक करेंगे और दुनिया में विलन के ग्रुप में नंबर वन बन जाएंगे। आज तक ऐसा हाईजैक किसी ने नहीं किया होगा। पर बॉस, आप रॉकेट को हाईजैक करके क्या करोगे? रॉकेट तो खोल है, असली माल तो उसके अंदर का सैटेलाइट है। हम रॉकेट को हाईजैक करेंगे, उस सैटेलाइट को अपना पर्सनल सैटेलाइट बनाकर लॉन्च करेंगे और दुनिया भर के डॉन को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देंगे जहां पर अंडरवर्ल्ड से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तब हम दुनिया भर से पैसा लेकर इंफॉर्मेशन डिलीवर करेंगे। वाह वाह बॉस, क्या आइडिया है। बॉस, उस रॉकेट को उड़ाएगा कौन? हम में से तो किसी को उड़ाना आता ही नहीं है। फिकर ना, मैंने पहले ही इस पायलट महाशय को बुला लिया है। वाह बॉस, आज तक किसी ने ऐसा हाईजैक नहीं किया होगा। तो फिर तुम्हारा बॉस हमेशा हटकर काम करता है। ओलिया, तौलिया, धौलिया, चौलिया, नीचे जाकर देख कर आओ कि सिक्योरिटी के क्या इंतजाम है। लड्डू सिंह जी, नीचे केव के पास से अभी अभी 3-4 गुंडे बाइक पर निकले हैं। डॉगी उन्हीं को देखकर भौंक रहा था। आप सब लोग रोड से होते हुए वैली में जाइए, मैं उधर से आता हूँ। ओके शिवा, ओके। सिक्योरिटी चेक करने क्यों जा रहे हैं? बॉस कोई सिक्योरिटी एजेंसी खोलने वाले हैं क्या? तेरे ऊपर के माले पर हर समय हड़ताल चलती रहती है क्या? बॉस को सिक्योरिटी एजेंसी नहीं खोलनी है, वो तो सिक्योरिटी तोड़कर इस रॉकेट को हाईजैक करने वाले हैं। वो कौन है? क्या बात है, रास्ता क्यों रोका है? बात तो आप लोग बताइए कि कहाँ जा रहे हैं। हम कहीं भी जा रहे हो, तुमसे मतलब? रास्ते से हटो बच्चे। बच्चा नहीं कहना अंकल। आ, 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 आ,
डाला बच्चे ने। हम पिट रहे हैं और तू ताली बजा रहा है, मार उसको। मैं मारू? डरो मत अंकल, आप मुझे सबसे समझदार लगते हैं। मैं इनको मारूंगा और आप रस्सी से सबको बांध दीजिएगा। ये लीजिए रस्सी, बड़ा मजा आएगा। अब आप खुद को भी बांध दो। हाँ हाँ, अभी बांधता हूँ। पर मुझे तो मजा नहीं आ रहा, मुझे क्यों बंधवाया? अबे उसने तुझे बेवकूफ बनाया है। लड्डू सिंह का नाम यूं ही फेमस नहीं हुआ। तो कैसे फेमस हुआ? हाँ हाँ, यहाँ से 50-50 किलोमीटर दूर तक जब कोई गैंग खुराफात करने निकलता है तो लोग कहते हैं मत कर, नहीं तो लड्डू सिंह आ जाएगा। चलो अब जल्दी से मुंह खोलो और मुझे बताओ कि तुम जारो वैली में क्या करने जा रहे थे। कौन बताएगा? हाँ तुम बताओ, तुम मुझे सबसे समझदार लगते हो, तुम झूठ नहीं बोलोगे। बोलो, सच बताओ, बोलो। भाई धौलिया, हम सिक्योरिटी चेक करने क्यों गए थे? सिक्योरिटी चेक? कैसा सिक्योरिटी चेक? तू रहने दे धौलिया, अब मैं ही सब सच सच बता देता हूँ। लड्डू सिंह जी जैसे चालाक पुलिस इंस्पेक्टर से हम ज्यादा देर सच नहीं छिपा पाएंगे। सर, हमारी एक छोटी मोटी नई नवेली सिक्योरिटी एजेंसी है। हमने सोचा अगर पुलिस की सिक्योरिटी फेल हो गई तो हमें सैटेलाइट की सिक्योरिटी का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। हमें नहीं पता था कि हमारा पाला आप जैसे बहादुर इंस्पेक्टर से। तुम लोग धोखेबाज हो, चुपचाप सिक्योरिटी एजेंसी खोल ली और मुझे बताया तक नहीं। जाओ, मैं तुम सबसे बात नहीं करूंगा। बॉस को भी बता दूंगा। चुप कर जा। लड्डू सिंह जी, ये लोग मौके पे चौका मार के झूठी कहानी बना रहे हैं। असल में सैटेलाइट को कोई बड़ा खतरा नहीं है। इनका बॉस भी वहीं कहीं वैली में होगा, हमें वहाँ जाकर पता करना पड़ेगा। ओके शिवा, ओके। बॉस, हम जेल में हैं। हमें पीट के पकड़ के जेल में डाल दिया बॉस। हेलो बॉस। तुम चारों को पीट के? कितने आदमी थे? बॉस, वो एक बच्चा कई बड़ों के बराबर है। वो हमें अंदर डालकर आपकी तलाश में इंस्पेक्टर लड्डू सिंह के साथ गया है। बच्चा? ये और कोई नहीं, वही शिवा होगा। वो बच्चा फिर से मेरी जिंदगी में हलचल मचाने आ गया, पर अब की बार मैं उसका खेल खत्म करके ही रहूंगा। आने दो उसे। बस बस, जैसा आपने बताया था, एक बच्चा इसी तरफ आ रहा है। ठीक है, सब छुप जाओ, उसको आराम से अंदर जाने दो और तब मेरा खेल शुरू होगा। अब क्या करोगे? पपन को भूले तो नहीं? तुमने एक बार फिर मेरे रास्ते में आकर बहुत बड़ी भूल कर दी। ये लेजर बीम्स
अब इनविजिबल हो गई हैं। तुमने एक कदम भी बढ़ाया तो जल जाओगे। अब तुम यहाँ कैद रहोगे और मैं चला सैटेलाइट को हाईजैक करने। बच सको तो बच लो। मैं शिवा की साइकिल का पुर्जा पुर्जा तोड़ दूंगा। अपनी साइकिल के दम पर बड़ा उछल कूद करता है। मुझे कुछ भी करके यहाँ से निकलना ही होगा। अंदर से रॉकेट दिखाता हूँ। नाम है बब्बन हाईजैकर, सुना तो होगा। सब एक लाइन में खड़े हो जाओ, अब ये सैटेलाइट हमारा है। पायलट, ये रॉकेट तुम ही उड़ाओगे, पर जैसा मैं कहूं वैसा करना, वरना इनमें से कोई नहीं बचेगा। जल्दी अंदर चलो, वो बच्चा आ रहा है। जल्दी अंदर चलो। इतनी हिम्मत? कोई नहीं, अब सब साथ में उड़ेंगे। शिवा, इस बार मैं तुमसे नहीं हारूंगा। अगला पिछला मुझे सब हिसाब पूरा करना है। बंद कर दो इन्हें उस कमरे में। कुछ तो आइडिया निकालो। लड्डू सिंह जी, उड़ते हुए रॉकेट से हम लोग बाहर नहीं जा सकते। शिवा, जाने का एक रास्ता तो है, मैंने पापा से इसके बारे में सुना था। रेवा, तुम रास्ता बताओ, जब जान पर बनी हो तो कोई भी रिस्क बड़ा नहीं होता। शिवा, वो ऊपर एक कट देख रहे हो, वो रॉकेट का एसी डक है। अगर हम कोशिश करें तो वहाँ से बाहर निकल सकते हैं।
रोड के थोड़ी ऊपर ही एक प्लग निकल गया है। अगर उसे नहीं लगाया तो सैटेलाइट को रॉकेट से अलग नहीं कर पाएंगे। किसी को ऊपर जाना होगा क्योंकि मैं फ्लाई कर रहा हूँ। आप चिंता मत करो, मैं ही जाता हूँ। शिवा मुझे बचा लो, बचा लो शिवा। ओह नो, लड्डू सिंह जी ने रोप अपने ड्रेस में अटकाने की बजाय डोर में अटका दी। अब क्या? मैं उन्हें बचाता हूँ। सैटेलाइट शेप की जेल बना के हवा में टांग के ही रखूंगा, याद रखना। न्यू जेल।